नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स। भारतीय टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वाशिंगटन सुंदर को कोरोना हो गया है, इसके चलते उनका दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 वनडे की सीरीज में खेलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज 19 जनवरी से शुरू होनी है, जिसके लिए वाशिंगटन सुंदर को भारतीय वनडे टीम के बाकी सदस्यों के साथ केपटाउन जाना था, लेकिन अब यह आसान नहीं दिख रहा है। सुंदर इस समय मुंबई में है, यहीं से भारतीय वनडे टीम के खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होना है। ये खिलाड़ी 12 जनवरी की सुबह रवाना होंगे। बता दें कि सुंदर करीब 10 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। वे आखिरी बार मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेले थे, इसके बाद चोटिल होने के चलते वे क्रिकेट के मैदान से दूर हो गए थे। आईपीएल से भी वो चोट के चलते ही बाहर रहे थे। सुंदर ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम में जगह बनाई थी, इसके बाद टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुनने का फैसला किया, लेकिन फिर से लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी में देरी हो सकती है। हालांकि एक बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि सुंदर टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। वनडे सीरीज में केएल राहुल कप्तान होंगे। टीम में आर अश्विन और युजवेंद्र चहल के रूप में 2 स्पिनर हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 19 जनवरी को पार्ल में होगा, फिर 21 जनवरी को इसी शहर में दूसरा और 23 जनवरी को केपटाउन में आखिरी वनडे खेला जाएगा। वहीं सुंदर के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो सुंदर ने अभी तक भारत के लिए 4 टेस्ट, 1 वनडे और 31 T20 मुकाबले खेले हैं। टेस्ट में उनके नाम 6 विकेट और 265 रन, वनडे में 1 विकेट और T20 में 25 विकेट हैं। उन्होंने जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे से टेस्ट डेब्यू किया था। यहां पर ब्रिस्बेन में पहले ही टेस्ट में उन्होंने अर्धशतक लगाकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया था। फिर इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने कमाल की 50 लगाई थी। वनडे की बात करें तो 2017 में उनका डेब्यू हुआ था, इसके बाद इस फॉर्मेट में वे नहीं खेले हैं। T20 में उन्होंने आगाज 2017 में किया था।